जय माता दी। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो कन्या राशि के लोगों के लिए। कन्या राशि के जातक, आने वाली 23 फरवरी मंगलवार का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, आज आपको किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा जिससे आप किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़े, साथ ही आज आपको क्या क्या बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंध, आपके व्यापार, नौकरी और करियर के बारे में मित्रों संपूर्ण जानकारी, वो भी 100% सटीक हम आपको देंगे। तो मित्रों ये 8-10 मिनट की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ हैं। हमेशा की तरह अपना प्यार जरूर बनाए रखें। मित्रों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है आपके लिए रोजाना राशि फल लेके आने के लिए। तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंग बली। मित्रों मंगलवार का दिन है, महावीर बजरंग बली आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको हर एक बला से बचाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंग बली। बढ़ जाते हैं आज के गुरु जी के ज्ञान की ओर। गुरु जी का ज्ञान आपको जीवन में सही राह पर चलने और तरक्की करने में मदद करेगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। तो मित्रों एक बेहतरीन जिंदगी जीना है तो यह स्वीकार कर लो कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। कभी भी किसी को देखकर यह न सोचे कि काश ये मेरे पास भी होता। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। बोलिए राधे राधे जय कन्हैया लाल की। गुरु जी का ज्ञान अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय कन्हैया लाल की जरूर लिखे। बढ़ जाते हैं आज के राशि फल की ओर। क्या कर रहे हैं आज कन्या राशि के ग्रह सितारे? मित्रों सबसे पहले आपको खुशखबरियां देते हैं। मित्रों आज आप दिनचर्या संबंधी गतिविधियों को नया रूप देने का प्रयास करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। किसी धार्मिक आयोजन संबंधी कार्य में व्यवस्था आपको संभालनी पड़ सकती है और आप थोड़े व्यस्त भी रहोगे। इस समय मित्रों जो आर्थिक स्थिति है बेहतरीन बनी हुई है। कुल मिलाकर दिन जो है आपका थोड़ा सुखद ही बीतेगा, परंतु कुछ इधर उधर की गतिविधियाँ ऐसी आएगी जो आपको उलझा सकती है, उलझन में डाल सकती है, थोड़ा आपका ध्यान इधर उधर कर सकती है। परंतु आपको अपना माइंड, अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क एक ही जगह रखना जरूरी है, अपने कार्य पर फोकस करना जरूरी है। दिन की शुरुआत बहुत ही संतोषजनक रहने वाली है मित्रों आपकी। कुछ पुराने खराब संबंधों में भी सुधार आने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो मित्रों अगर आपके भी कोई पुराने संबंध है जिसमें काफ़ी खराबी आई हुई है तो मित्रों आज सुधार आएगा। एक कदम आप ज़रूर बढ़ा कर देखिए, आपके संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा दिन है, दिन की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बजरंग बली का नाम लेकर शुरुआत करिएगा। बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। मित्रों अनुभवी तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए इस समय वरदान साबित होने वाला है। तो मित्रों ऐसे लोग जो काफ़ी अनुभवी हैं और वरिष्ठ हैं उनके साथ रहिए, उनका आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के मार्ग खोलने वाला है। मित्रों फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना आज आपको मिल सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगी आपके लिए। मित्रों कोई ऐसी सुखद घटना घट सकती है जिससे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है। कोई ज़मीन, मित्रों कोई ज़मीन संबंधी रुका हुआ मामला भी हल हो सकता है इस समय। घर की व्यस्तता को उचित बनाए रखना यह बहुत ही ज़रूरी है और इसकी कोशिशें भी आप करोगे तो कामयाब रहेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता आदि में सफलता मिलने से काफ़ी ज़्यादा उनका मन और उनके उत्साह में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है इस समय। किसी उत्तम विचारधारा के व्यक्ति से आज मेल मिलाप आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। ऐसे कोई व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसकी विचारधारा काफ़ी उत्तम होगी, जिनका आपके साथ रहना भी आपके करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मित्रों ऐसा कोई इंसान मिलता है तो उसके साथ बस मिलिए और
हमेशा के लिए उसको पकड़ लीजिए। वह इंसान आपके तरक्की के मार्ग ज़रूर खोल सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे इंसान हमारे जीवन में आते हैं जिनके साथ रहकर हमारा भी जीवन उन्नति कारक हो जाता है। स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाभदायक शुभ अवसर बन रहे हैं। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं वह बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, लाभदायक और शुभ अवसर बन रहे हैं। घर में किसी धार्मिक कार्यकलाप मित्रों घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन संबंधी योजनाएं बन सकती है। तो ये थी कुछ खुशखबरियां मित्रों, सावधानियां बताते हैं कि किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहना ज़रूरी है मित्रों, तो ध्यान से सुनिएगा सावधानियां। अनावश्यक खर्चे होने की वजह से आपका जो बजट है बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ सकता है। मित्रों ध्यान रहे, अनावश्यक खर्चे इस समय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भविष्य में आपके लिए आपका पैसा बहुत ही ज़रूरी है। इस समय कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो सकती है मित्रों, ऐसे योग बन रहे हैं कि कोई ज़रूरी वस्तु आपकी खो सकती है या आप रख कर भूल सकते हैं। तो मित्रों ध्यान रहे, ऐसी स्थितियाँ बन रही है तो अपने कीमती चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो विवाहित व्यक्ति है, विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है जो आपके वैवाहिक जीवन पर भी असर डाल सकता है। तो मित्रों विवाहित व्यक्ति ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रहे आप अपने आप का गुस्सा कंट्रोल रखिएगा। मित्रों अचानक ही मेहमानों के आगमन से भी खर्चों की स्थिति हो सकती है। आपकी भावुकता का लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मित्रों आप बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो ध्यान रहे भावुक भी नहीं होना है। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास और अहम आपके बनते बनते कार्यों में रुकावट डाल सकता है। तो मित्रों ध्यान रहे आपको ज़्यादा आत्मविश्वास भी नहीं रखना है। आत्मविश्वास होना ठीक है, परंतु अति आत्मविश्वास आपको घमंडी बना देता है और आपके अंदर अहम भी बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपके बनते कार्यों में भी रुकावटें डाल सकती है। जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुकना पड़ता है, अहम को बीच में ना लाए वरना तरक्की के मार्ग बंद हो सकते हैं। ध्यान रखें कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं और विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। किसी मित्रों किसी भी प्रकार की यात्रा अगर कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर करिएगा, व्यर्थ में अपना समय नष्ट ना करिएगा, क्योंकि इस समय व्यर्थ होने के अलावा कोई हासिल नहीं होने वाला है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये थी कुछ सावधानियां। मित्रों ध्यान से सुनिए, ये थी कुछ सावधानियां। अब व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं। मित्रों व्यवसाय की कुछ ज़रूरी जानकारियां है, तो मित्रों प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में विशेष रूप से सावधानी रखिए। जो इन प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से जुड़े हैं थोड़ा सावधान रहिएगा। दिन के दूसरे पक्ष में परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी अनुकूल रहेगी। कुंभ राशि और कन्या राशि दोनों लोगों के लिए नज़दीकी लोगों की अपेक्षा किसी अपरिचित व्यक्ति से सहायता मिलना आपको आश्चर्यचकित करेगा। तो मित्रों नज़दीकी लोगों की अपेक्षा कोई अपरिचित व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो अपने हैं वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, परंतु जो आपके दूर के व्यक्ति है वह आपकी ज़्यादा सहायता कर रहे हैं और इससे आपको आश्चर्यचकित भी होना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा होता है जीवन में अक्सर। ध्यान से सुनिए, कामकाज की बहुत ही ज़्यादा अधिकता रहेगी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से व्यवसाय पर थोड़ा ध्यान आप केंद्रित नहीं कर पाओगे। जीवन में भी हमारे पर्सनल लाइफ में भी कुछ आपके समस्याएं होगी, जिसकी वजह से आप व्यवसाय पर यानी नौकरी पर व्यवसाय पर जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हो ज़्यादा आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे, आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। तो जो भी चीज़ आपके मन को भटका रही है उसको जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर ले, यही आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप भविष्य में भी यही गलतियाँ करते रहोगे और आपका ध्यान अपने मेन कार्य यानी व्यवसाय नौकरी पर नहीं होगा और आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो जो भी है उसको क्लियर कर लें, अगर जो होना है वह हो जाए यह बेहतर रहेगा। कहीं से कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने से बहुत ही ज़्यादा इस समय राहत मिलेगी आपको, तो ध्यान रहे कहीं कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा है निकालने की कोशिश करिएगा, राहत आपको ज़रूर मिलेगी। ऑफिस में जो फाइलें हैं तथा पेपर वर्क है उनको पूरा करने के लिए ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है,
प्रेम संबंधों की ओर बढ़े मित्रों, तो आपकी परेशानियों को हल करने में जीवन साथी तथा परिवार के जनों का भरपूर सहयोग बना हुआ रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी इस समय। तो मित्रों, आपका जो जीवन साथी है आपके जीवन में जो चल रही परेशानियों को हल करने में आपका भरपूर सहायता करेगा, और आपको भी उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें अपने जीवन साथी के साथ। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के जो जन है वह बहुत ही अच्छे इस समय आपके लिए बने हुए रहेंगे, हर पल आपका सहायता करेंगे। स्वास्थ्य की ओर बढ़े मित्रों, तो अत्यधिक मसालेदार खान पान से जितना हो सके परहेज करिएगा, इससे एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्या हल हो सकती है। तो मित्रों, इन चीज़ों से दूर रहिएगा, वरना ये आपके मेन कार्य पर आपको ध्यान नहीं से भटका सकती है। तो मित्रों, ये था कन्या राशि का 23 फरवरी मंगलवार का राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत लाइक कर दे, और अगर जीवन में कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे बता सकते हैं, हम आपको समाधान ज़रूर बताएंगे। और मित्रों, मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का वार है, सवेरे सवेरे जल्दी उठिए, महावीर बजरंग बली की पूजा अर्चना कीजिए, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बजरंग बली आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूले। और मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन आपका अगले दिन का राशिफल लेकर। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।